फिर से आपका स्वागत करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के इस नेक्स्ट कोर्स के वीडियोस में। और जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इन द मनी का क्या होता है और कैसे होता है, अब इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को विशेष बताना चाहिए। ये आप सोच रहे होंगे कि अगर निफ्टी 16,677 चल रही है तो कॉल साइड छोड़ 16,600 रुपये जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट किया है यह इन द मनी कैसे है, और 16,750 स्ट्राइक प्राइस पुट साइड से इन द मनी कैसे होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कॉल में क्या होता है कि हम ऊपर की तरफ व्यू रखते हैं, यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर की ओर जाता है देन आपका प्रॉफिट होगा। तो अगर मार्केट 16,677 चल रहा है और आप अगर 16,677 या 650 से नीचे का कॉल देख रहे हैं देन वो इन द मनी है और उसकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी। डेल्टा के लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखा है जिसमें पूरी मैंने कोशिश की है कि डेल्टा आपको समझ में आए और आसानी से, और काफ़ी अच्छा कोशिश किया है, आपको बिल्कुल देखना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप ऑप्शन सीख लें। और सेम ये उल्टा इसलिए होता है 16,750 क्योंकि मार्केट 16,677 है और अगर नीचे की तरफ गिरता है यानी आपने पुट बाई किया हुआ है तो आप मार्केट में बेरिश हैं। बेरिश का मतलब है नीचे के गिरने की तरफ। तो आपने अगर 16,750 या 16,800 रखा है तो वो आउट ऑफ द मनी होगा, और बाकी हम नेक्स्ट जो एटीएम और ओटीएम है उसमें हम आपको बताएंगे। 16,750 का मतलब ये है कि 16,677 चल रहा है, 16,700 या 16,700 के बाद जो अंदर है, मतलब कि जो ऊपर है जनरली अगर रेट के ऊपर है तो वो पुट साइड में आपका इन द मनी होता है, जिसको हम लोग ITM कॉल बोलते हैं। इसमें डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसमें प्राइस डिफरेंशिएट, प्राइस जो मूवमेंट होता है वो भी ज़्यादा होता है। सपोज़ ये तो था इन द मनी। अभी आपको मैं नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ वो है एट द मनी। एट द मनी का मतलब क्या होता है और ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, ये मैं आपको बताता हूँ अभी डिटेल्स में। अभी एट द मनी का मतलब होता है इंडेक्स के स्पॉट प्राइस के आसपास। के आसपास का कॉल या पुट अगर आप सेलेक्ट करते हैं या उससे खरीदते या बेचते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी। यानी अगर जैसा कि एग्जांपल के लिए अभी के लिए निफ्टी 50, अगर निफ्टी 50 16,677 है तो 16,650 या फिर 16,700 को हम लगभग एट द मनी का कॉल या पुट कह सकते हैं। इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है। अगर आप 16,650 का कॉल लेते हैं तो भी वो एट द मनी है, 16,700 का पुट लेते हैं तो भी वो एट द मनी है, क्योंकि एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस के पास तो आपको बहुत रेयरली है कि वो मिल पाएगा आपका स्पॉट प्राइस, और वो मूवमेंट में रहता है, वो मूव होते रहता है, कभी भी एक जगह पे स्टे नहीं होता है, चाहे थोड़ी बहुत ही मूवमेंट हो लेकिन मूवमेंट होती ही रहती है। तो ये है एट द मनी, जिसमें आप जो कॉल सेलेक्ट करते हैं जो स्पॉट प्राइस के पास उसको हम बोलते हैं एट द मनी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और ये मेरा फुल क्लास पहली क्लास का पहला वीडियो है, हो सके मुझे कुछ कमी भी मुझे लग रही होगी जो शायद आपको लगा होगा या शायद मुझे चेंज करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको
नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, या जो अगला वीडियो आता जाएगा इस सीरीज का, उसमें मैं इन चीज़ों को मैं दूर कर लूँगा। आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की सोची है और कर भी रहा हूँ। शायद मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करता वीडियोज में, मैं चाहता हूँ कि रियल कंटेंट है जो आपके पास आए। अभी है OTM, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब ये होता है इंडेक्स के स्पॉट प्राइस जो है उससे दूर का कॉल या पुट अगर आप सेलेक्ट करते हैं या उसे खरीदते बेचते हैं, उसे हम OTM बोलते हैं या आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। अभी के लिए सपोज निफ्टी निफ्टी 50 अगर 16,677 चल रहा है तो कॉल साइड में 16,700 से ऊपर का कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसे आउट ऑफ द मनी का कॉल कहा जाएगा। पुट साइड में यही 16,650 के नीचे का कोई भी स्ट्राइक प्राइस का स्ट्राइक प्राइस अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम आउट ऑफ द मनी का पुट कहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू और बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट वीडियोज में। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चंस या कुछ होते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, मैसेंजर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं करूँ, और इसमें मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको सिखा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन। बाय बाय, टेक केयर।